नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुई हत्या कांड का खुलासा, अवैध संबंधों में हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद के कुशल निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत रजपुरा थाना क्षेत्र के पुलिस ने रजावली गांव में हुए जीतापाल हत्याकांड खुलासा किया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि मृतक के अवैध संबंध आरोपी बबलू की पत्नी से थे। कई बार समझाने के बाद भी जीतपाल नहीं माना और उसी दिन भी मैं उसे समझाने के लिए बुलाकर खेत में लेकर आया था, लेकिन वहां उसके और मेरे बीच बहस हो गई, जिसके बाद मैंने तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक जिंदा कारतूस उसकी जेब में डालकर तथा कारतूस खोखा जंगल में फेंक कर तमंचा लेकर अपने घर आ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में एक दिनांक 5 तारीख को एक हत्या हो गई थी, जीतपाल उर्फ पुत्र वीरेंद्र की हत्या हो गई थी। इसकी बॉडी गन्ने के खेत में पाई गई थी। जब इसका मुकदमा लिख करके इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि एक बबलू जो इसका साथी था उसने इसकी हत्या की है। पूछताछ में बबलू ने बताया कि जीतपाल जो था उसकी पत्नी से बात करता था और जिसको लेकर के आपस में तनातनी रहती थी। ये दोनों वैसे साथ रहते थे लेकिन जो जीतपाल है मृतक वो उसकी पत्नी से बातचीत करता रहता था, जिससे तनातनी के कारण ये खुंदस में रहता था। इसने एक दिन तय किया कि ये समझाया इसको एक दो बार लेकिन नहीं माना ये, तो एक दिन तय किया कि अब इसको रास्ते से हटाना है और इसने घटना के दिन उसको अपने ही बाइक पर बैठा करके खेत में ले गया। खेत में ले जा करके उसके सीने में गोली मार दी और वहां से फिर भाग गया तमंचा लेकर के। अब उसकी निशानदेही पे आला कत्ल बरामद किया गया है। संभल से इस्लाम अली की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज संभल।